अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी अख्तर सैदी की बुक का चैप्टर नंबर 22 जो हम कर रहे थे, ठीक है, उसमें पार्ट नंबर उसका फोर्थ जो है वो कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 22 बेसिकली पॉवर्टी ट्रेंड्स कॉजेज एंड इन सॉल्यूशंस इन पाकिस्तान को कवर करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि 1960 से 1988 तक जो पावर्टी के ट्रेंड्स रहे हैं उनको डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी पॉलिसीज ऐसी बनी थी उस टाइम पे जिनकी बेस के ऊपर पावर्टी का ट्रेंड जो है वो सेट हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लिटरेचर जो है वो हमें मेनली फोकस ये बता करता है कि जो जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, ठीक है, वो ये शो करती हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पावर्टी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ये कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पर पावर्टी जो है वो डिक्लाइन होगी, और इसी के वाइस वर्सा अगर हम देखें कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन कर रही है, ठीक है, तो पावर्टी जो है वो पावर्टी की रेशियो उस कंट्री में इंक्रीज हो जाती है। अभी कंसीडर किया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्री रिक्विजाइट है फॉर द पावर्टी रिडक्शन। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी तो पावर्टी रिडक्शन हो सकती है। ठीक है, रिसर्च जितनी भी है, लिटरेचर जितना भी है, हमें ये फोकस करता है इस बात पे कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो फिर उससे पावर्टी रिडक्शन जो है, यानी दोनों का आपस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ऑलमोस्ट एवरी स्टडी रिवील्स दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ फाउंडेशन ऑफ पावर्टी एलिवेशन। ठीक है, हमें तकरीबन सारी स्टडीज जितने भी हम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज का, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर हो या अंडर डेवलप के हों या डेवलपिंग के ऊपर हों, वो हमें यही सजेस्ट करती हैं कि जब जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रेज होती है, ठीक है, यानी कंट्री जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करती है, तो उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होने के साथ साथ पावर्टी एलिवेशन जो है वो स्पीडली हो जाता है उसका प्रोसेस। कुछ ट्रेंड्स देख लेते हैं इन ग्रोथ, पावर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 1950 में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो स्टैग्नेंट थी। ठीक है, पावर्टी जो है वो परसिस्टेंट थी हमारी। ठीक है, उस टाइम पे पावर्टी थी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उस टाइम पे हमने अपनी कंट्री की मैयर नहीं की। 1960s में अगर हम देखें तो हमारी जो ग्रोथ थी वो रैपिड इंक्रीज आया ग्रोथ रेट के अंदर। ठीक है, हमने देखा कि 8% जो है वो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट रहा 1960s में, और इसमें बहुत सी ऐसी पॉलिसीज आई जिनकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रेज हुआ। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। 1960s को इसीलिए हम डिकेड ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं, यानी उस डिकेड में जितना भी हाई ग्रोथ रेट्स थे, ठीक है, उसके बाद हमने वो ग्रोथ रेट्स जो हैं एक्सपीरियंस नहीं किए। पावर्टी इस टाइम पे इंक्रीज हो रही थी। देखिए, अब यहाँ पे ट्रेंड देखें कि इस 1960s में जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही थी तो उसके साथ साथ पावर्टी भी इंक्रीज हो रही थी। पावर्टी इंक्रीज होने का मेन जो मकसद था वो यहाँ पे ये, या फिर इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन था वो ये था कि उस टाइम पे जो जिनके पास लैंड नहीं था या जो फार्मर्स थे, पुअर्स थे, ठीक है, उन वो तो पुअर ही थे, लेकिन जो जिन ऐसी क्लास जिनके पास लैंड ओनरशिप थी या फिर जो रूरल एरिया से अर्बन की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है, उनमें पावर्टी की रिडक्शन तो हमने देखी, लेकिन ओवरऑल पावर्टी जो है हमारी वो इंक्रीज कर रही थी। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ जो इनहैबिटेंट्स थे वो माइग्रेट करके आए थे यहाँ पे, तो उनके जो पावर्टी का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए पावर्टी उस टाइम पे हमारी इंक्रीज कर रही थी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इंक्रीज हुई इस टाइम पे, तो हम ये कह सकते हैं कि 1960s में जहाँ पे ग्रोथ रेट्स हमारे इंक्रीज हुए तो उसके साथ साथ हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हुई। यानी 1960s के लिहाज से ग्रोथ रेट्स और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में या इनकम इक्वालिटीज में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा जाता है। 1970s की अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ रेट था वो हमारा स्लो था, ठीक है, पावर्टी हमारी जो है वो इस टाइम पे अब डिक्लाइन कर रही थी। ठीक है, यानी ग्रोथ रेट जब कम इंक्रीज हो रहा था तो पावर्टी कम होती जा रही थी। यानी इसका मतलब यह है कि अगर एक पीरियड के अंदर पावर्टी इंक्रीज हो रही होती है तो नेक्स्ट पीरियड के अंदर जो है पावर्टी में डिक्लाइन भी आता है। ठीक है, क्योंकि उससे लास्ट पीरियड में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव हुई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है इफेक्ट या ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो थोड़े से अरसे के बाद हमें नजर आता है। ठीक है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन 1970s में वर्सन हुई।
1980s की अगर बात करते हैं तो रैपिड इंक्रीज हुआ ग्रोथ रेट के अंदर, ठीक है, पावर्टी में काफी हद तक डिक्लाइन हुआ। तो अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमें यहाँ पे ग्रोथ रेट और पावर्टी का पॉजिटिव रिलेशनशिप नजर आता है, यानी दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो है वो रैपिड डिटोरिएशन फॉलोड बाय रैपिड इंप्रूवमेंट, ठीक है। 1990s में अगर देखें तो सब्सटैंशियल डिक्लाइन आया इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, ठीक है, पावर्टी इंक्रीज हुई और साथ साथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वर्सन हुई उसकी कंडीशन कंट्री के अंदर। 2000 से 2007 तक अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर रैपिड इंक्रीज आया, ठीक है, पावर्टी जो है वो कम हुई, ठीक है। यहाँ पे भी 2000 से 2007 तक का पीरियड भी हमें यही शो करता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होती है तो पावर्टी डिक्लाइन होती है, ठीक है। और लेकिन इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है या इनकम इक्वालिटी की जो कंडीशन है वो वर्सन होती जाती है, ठीक है, वो दोनों से ऑपोजिट मूव कर रही होती है। 2008 से 2013 तक का अगर डाटा लेते हैं हम तो हमें पता चलता है कि सब्सटैंशियल डिक्लाइन हुआ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर और इसके साथ साथ पावर्टी जो है वो इंक्रीज हुई, ठीक है। तो इससे भी हमें यही शो कर होता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है तो पावर्टी भी इंक्रीज होती है उससे, और इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो वर्सन थी। ये टेबल हमें ये सजेस्ट करता है कि 1960s और 70s में ग्रोथ और पावर्टी नॉट हैव करेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, उन दोनों का करेक्ट रिलेशनशिप नहीं, एम्बिगुअस रिलेशनशिप है। अगर हम पीछे देखें दोबारा तो 1960s में रैपिड ग्रोथ हो रही थी और साथ साथ पावर्टी भी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन 1970s में स्लो ग्रोथ थी और पावर्टी डिक्लाइन कर रही थी, ठीक है। सो हमें ये क्लियर एक पिक्चर नहीं देता पावर्टी की और इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेशनशिप की। अगर हम 1980s और 1990s की बात करें तो बोथ मूव इन राइट इनवर्स डायरेक्शन, ठीक है। 1980s में और 1990s में अगर देखते हैं तो 1980s में रैपिड इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन पावर्टी जो है वो डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। तो ग्रोथ इंक्रीज हो रही है और पावर्टी रिड्यूस हो रही है, और इसी तरह 1990s में डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ लेकिन पावर्टी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमें जो है वो राइट इनवर्स डायरेक्शन हमें दोनों वेरिएबल्स की बताता है। Although poverty declined in 1960s, but rural poverty increased, resultantly increase in overall poverty in the decade of development. 1960s में हमने ये ऑब्जर्व किया कि पावर्टी जो है वो डिक्लाइन तो हुई है लेकिन रूरल पावर्टी इंक्रीज हुई है, ठीक है। रूरल एरियाज के अंदर पावर्टी इंक्रीज, अर्बन एरिया की पावर्टी तो कम हुई लेकिन रूरल एरियाज के अंदर पावर्टी जो है वो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से रिजल्टेंटली हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कंट्री की पावर्टी लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ। रीजन इन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर स्पेशली साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लैंड। हमने पिछले लेक्चर में यह पढ़ा था कि 1960s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उससे एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसका प्रॉपर जो स्ट्रक्चर था वो ट्रांसफॉर्म किया था हमने, ठीक है, उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके गए थे। इससे पहले ओल्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज किए जाते थे और उनसे प्रोडक्टिविटी भी इतनी अच्छी या इतनी इम्प्रूव्ड हमें नहीं मिलती थी, लेकिन 1960s में जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसीज अडॉप्ट की तो उससे हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, ट्रैक्टर थे और ट्यूबवेल्स वगैरह वो यूज़ करने स्टार्ट किए, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई और क्रॉप की जो रेशियो थी ख़राब होने की, ठीक है, वो भी उससे डिक्लाइन चलेगी। सो बेसिकली इस टाइम पे रीज़न यही था पावर्टी के वहाँ पे इंक्रीज होने का कि जो ट्रांसफॉर्मेशन, जब एक किसी भी सेक्टर की आप ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइम पीरियड के अंदर करते हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट टाइम पीरियड के अंदर नज़र आता है, क्योंकि एक टाइम पीरियड में तो हमने उस डिकेड के अंदर तो सिर्फ हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन उससे जो आउटपुट हमें नज़र आई या उससे जो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ वो नेक्स्ट पीरियड में हमें नज़र आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि 1960s में पावर्टी इंक्रीज हुई थी और 1970s में पावर्टी जो है वो रूरल एरियाज में डिक्लाइन में गई थी। अब टेक्नोलॉजी जो है, न्यू टेक्नोलॉजी वाज अ की फैक्टर विच अलाउड लैंडलॉर्ड्स टू रिज्यूम लैंड प्रीवियसली रेंटेड आउट फॉर सेल्फ कल्टीवेशन। अब न्यू टेक्नोलॉजी जैसे इंट्रोड्यूस हुई तो जो लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने पहले अपना लैंड जो है वो किराए पे दिया हुआ था टेनेंट्स को या फिर डिफरेंट फार्मर्स को कि वो उस पर सिर्फ कल्टीवेशन करते थे और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो सिर्फ उनका उससे रेंट लेते थे या फिर उनका जो क्रॉप यील्ड होती थी उसमें शेयरिंग होती थी, ठीक है। लेकिन अब जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई, न्यू टेक्नोलॉजीज इनोवेट हुई, तो उन्होंने अब वो लैंड जो है जो
पहले रेंट करते थे, अब वो सेल्फ कल्टीवेशन उस पर स्टार्ट की ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन किया जा सके। इंक्रीज मैकेनाइजेशन लेड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर विच इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग पॉवर्टी डिस्पाइट हाई ग्रोथ इन आउटपुट। अब इंक्रीज जो हुआ मैकेनाइजेशन में, यानी लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ लेबर, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेट होती है तो डिमांड फॉर लेबर जो है उससे हमारी जो है डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि मैनुअली से काम जो है हमारा टेक्नोलॉजिकल उस पर शिफ्ट हो जाता है, विच इज़ ये भी एक सबसे बड़ी एक रीज़न थी इंक्रीजिंग पावर्टी डिस्पाइट हाई ग्रोथ इन आउटपुट। आउटपुट तो इंक्रीज हुई लेकिन पावर की जो लेबर की प्रोडक्टिविटी थी या लेबर की डिमांड थी मार्केट में वो रिड्यूस हो गई। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इन 1960s वर 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर देन 1950s। अब जीडीपी के जो ग्रोथ रेट थे इन एग्रीकल्चर सेक्टर भी देखें अगर हम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी देखें 1960s में, तो वो 2 से 3% जो है वो 1950 से हमें ग्रेटर नजर आते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से कि टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन हुई, हम मैकेनाइजेशन जो आई इकॉनमी के अंदर और एग्रेरियन जो इकॉनमी हमने ट्रांसफॉर्म की, उसी की वजह से हमारे ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज है। जीडीपी में ओवरऑल 7% इंक्रीज हमने देखा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% इंक्रीज आया था। 1970s की अगर हम बात करें, 1960s को तो हमने ओवरऑल देख लिया कि उसमें क्या ट्रेंड थे, ठीक है। हमने देखा कि 1960s में पावर्टी भी इंक्रीज हो रही थी और साथ साथ ग्रोथ रेट भी जो है वो इम्प्रूव हो रहे थे, तो उसकी मेन रीजंस जो है हमने देखा कि पीछे उसके ग्रीन रेवोल्यूशन थी, ठीक है। अब हम 1970s पे आते हैं कि 1970s में क्या हुआ। 1970s में ये वो साल था जिसमें ओनली ईयर इन द हिस्ट्री व्हेन पावर्टी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर हाईलाइटेड, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पावर्टी को इकट्ठे जो है ऑब्जर्व किया गया बेसिकली इस साल के अंदर पाकिस्तान में। नेशनलाइजेशन प्रोग्राम लेके आया भुट्टो जब 1972 से 1977 में, ठीक है। तो दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट गारंटीज टू द एम्प्लॉय। अब पहले हमने देखा कि लेबर की जो डिमांड थी वो मार्केट में कम हो गई 1960s में, ठीक है, और टेक्नोलॉजी ने उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन जब लोग अर्बनाइज हुए, लोगों ने माइग्रेशन करना स्टार्ट की और अर्बन एरियाज की तरफ मूव किया, तो उससे उसमें क्या हुआ कि जब भुट्टो साहब का टाइम आया 1972 से 1977 तक, तो वो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी लेके आए थे। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो थे जो प्राइवेट थे उनको नेशनल किया था, ठीक है। सो अब नेशनलाइजेशन करने से क्या हुआ, एक फ़ायदा ये भी हुआ कि एम्प्लॉयज़ को जो थी उनकी जॉब की गारंटी मिलना स्टार्ट हो गई। हम डेली रूटीन में भी सुनते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जॉब की गारंटी होती है, यानी उन्हें कोई शॉर्ट नोटिस पे या जो है वो जॉब से फायर नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास जॉब की गारंटी होती है। शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन डेवलपमेंट प्लान्स इंक्रीज, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर का जो शेयर था डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर, क्योंकि सारी चीज़ें तो नेशनलाइज हो गई थी, अब प्राइवेट सेक्टर की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इकॉनमी के अंदर, तो जो सर्विस सेक्टर के अंदर का शेयर था जीडीपी के अंदर वो भी इंक्रीज हुआ फॉर मेकिंग डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है रिमूव हुई 1977 में, तो क्या हुआ कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उस टाइम पे जो थे जीडीपी के वो 11% थे, ठीक है, जो कि हमें हिस्ट्री में हाईएस्ट मिलते हैं। इससे पहले भी कभी इतने ज़्यादा जो पोर्शन था जीडीपी का वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं खर्च किया गया और ना ही इसके बाद किया गया। नेशनलाइजेशन मेजर्स मे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। अब नेशनलाइजेशन को इसलिए इन्फोर्स बेसिकली किया गया ताकि इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ी सी इक्वलाइज किया जा सके या फिर फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सके। तो इससे क्या हुआ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आया पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर, बट नॉट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ। ग्रोथ इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई क्योंकि हमने ज़्यादा इसमें फोकस ही अपना डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर किया, जिसमें पावर्टी तो डिक्रीज हुई कुछ हद तक लेकिन ग्रोथ रेट्स जो थे वो हमारे इम्प्रूव नहीं हुए उस टाइम पे। पॉलिसीज अगर हम देखते हैं 1970s में, तो 1970s में जो मेन पॉलिसीज थी वो क्या थी कि लैंड रिफॉर्म्स जो है वो इम्प्लीमेंटेड हुए। हमने देखा था कि दो लैंड रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, 1950s में एक आया था और एक 1972 में आए थे, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली क्या हुआ था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को मेजर फोकस किया गया था, फार्मर्स के ऊपर बेसिकली फोकस किया गया था और लैंड की ओनरशिप जो है वो
टेनेंट्स को प्रोवाइड की गई थी फ्री ऑफ कॉस्ट भी, या फिर कुछ एक मिनिमल अमाउंट के ऊपर लैंड की ट्रांसफर जो है वो दी गई थी। अब लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड हुए 1972 में, और इसके साथ साथ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स रिजल्टेड इन इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, अब बहुत सारे बैंक्स जो थे, कमर्शियल बैंक्स जो थे, उनको नेशनलाइज किया गया, प्राइवेट बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज किया गया, जिससे क्या हुआ कि फाइनेंशियल सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होने लगी। ठीक है, लोगों तक अप्रोच है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज की अप्रोच थी वो एक्सेस लोगों को मिलने लगी। ठीक है, तो जब ब्रांचेस इंक्रीज हुई इसकी वजह से लोगों के पास फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेस हुई। 11% एक्सपेंशन इन क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल सेक्टर में 11% क्रेडिट फैसिलिटीज जो हैं वो इम्प्रूव करवाई गई या इंक्रीज कराई गई, इस तरीके से कि जो फार्मर्स लैंड जो फार्मर्स बोरो करते थे, ठीक है, उस अमाउंट में 11% इंक्रीज किया गया। नेटवर्क रीचिंग टू फार फ्लंग रिमोट एरियाज, अब जो ब्रांचेस नेशनलाइज हुई, ठीक है, तो फार फ्लंग एरियाज में भी ब्रांचेस को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। तो इससे क्या हुआ कि एक तो ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंप्रूव हुई, और साथ साथ हमारी जो क्रेडिट फैसिलिटीज थी वो भी इंप्रूव हुई। अब क्रेडिट वॉज डायरेक्टेड टू फार्मर्स, ठीक है, अब क्रेडिट किस किस को मिल रहा था, फार्मर्स को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंड लो कॉस्ट हाउसिंग मैंडेटरी फॉर बैंक। और इसके साथ साथ जो लोग घरों के लिए लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, तो उनको लो कॉस्ट हाउसिंग का एक हेड बना के बैंक्स के लिए मैंडेटरी किया गया कि इतने परसेंट लोन जो है वो हाउसिंग के लिए भी आपने प्रोवाइड करना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल स्केल सेक्टर वो आल्सो इनकरेज बाय डायरेक्ट क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है, इसके साथ साथ जब जैसे बिजनेस मैन लोग या इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल करने लगे, तो उससे क्या हुआ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज लोगों ने ली वो उसको इनकरेज किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और डायरेक्ट क्रेडिट फैसिलिटीज जो हैं उनको भी इनकरेज किया गया। ड्यू टू बूम इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही थी, तो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर जो था या प्रॉपर्टी का सेक्टर जो था वो भी इम्प्रूव कर रहा था, बूम पे था। ठीक है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट लेवल जो था वो भी इंक्रीज हुआ, और वेजेस जो हैं वो भी शार्पली इंक्रीज हुई, लेबर की डिमांड भी थी वहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको लोन्स इजीली मिल रहे थे। ठीक है, वो अपना जो उनका बिजनेस था उसको एक्सपेंड कर रहे थे, और साथ साथ उसको एक्सपेंड करने के लिए उनको लेबर की डिमांड थी, और लेबर की डिमांड के साथ उन्होंने वेजेस को भी इम्प्रूव किया ताकि लेबर जो है वो इजीली उन्हें मिल सके। अराउंड 1 lakh लेबर्स लेफ्ट पाकिस्तान टू वर्क ओवरसी। इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे जो एक बल्क ऑफ हमारा एसेट था, जो स्किल्ड लेबर फोर्स थी, वो ओवरसीज में यानी बाहर के जो कंट्रीज हैं उधर जाके भी वर्क फोर्स उन्होंने ज्वाइन की। ठीक है, सेंडिंग, और जो कि उन्होंने उसका रिजल्ट ये हुआ कि $1.4 billion जो है इन द हेड ऑफ रेमिटेंसेस उन्होंने भेजना स्टार्ट किया, विच इज़ ग्रेटर देन ऑयल इम्पोर्ट बिल ऑफ द कंट्री। उस टाइम पे हमारा ऑयल इम्पोर्ट बिल जो था उससे ग्रेटर था हमारे रेमिटेंसेस। ठीक है, सो कंट्री जो है वो डेफिसिट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में उस टाइम पे नहीं थी। दिस फिगर रिजल्टेंटली डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन 1980s। ठीक है, अब ये सारी जो फिगर्स थी या ये सारी जो स्टेप्स थे, ये सारी पॉलिसीज जो थी, ये बेसिकली इन्होंने 1980s में पॉवर्टी को डिक्लाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। रेमिटेंसेज फ्रॉम मिडल ईस्ट कंटिन्यू टू प्ले क्रिटिकल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब जो रेमिटेंसेज जब भी किसी कंट्रीज के अंदर आते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आउटर करेंसी आती है कंट्री के अंदर तो उससे कंट्री की वर्थ जो है इंक्रीज होती है, और उससे कंट्री का जो करंट अकाउंट है वो भी इम्प्रूव होता है। और पॉवर्टी रिडक्शन बिटवीन 1984 से 1990s तक पॉवर्टी रिडक्शन हुए हमारी। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर वॉज अबव 26%। उस टाइम पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहे थे वो 26% से अबव थे, जीडीपी का 26% से अबव थे इन 3 of 4 years। ठीक है, गवर्नमेंट डेफिसिट वॉज 8.2%। उस टाइम पे जो हमारा गवर्नमेंट डेफिसिट था, यानी जो गवर्नमेंट बजट बनाती है और जितना एक्सपेंडिचर करती है उसके दरमियान का जो डिफरेंस था वो हमारा 8.2
2% था ऑफ जीडीपी, हायर देन एनुअल एवरेज ऑफ 7% ऑफ द इंटायर 1980s. 1980s का ओवर जो ओवरऑल डिकेड था, अगर हम उसकी एवरेज लेते हैं तो हमारा जो ओवरऑल डेफिसिट था उस टाइम पे वो 7% था. लेकिन जो अगर हम 1984 से 1990s तक का 6 साल का टाइम पीरियड लें तो उस टाइम पे हमारा जो ओवरऑल डेफिसिट था गवर्नमेंट का वो 8.2% था. की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन दिस पीरियड वॉज, अब इस टाइम पे एक और डेवलपमेंट जो स्ट्रेटजीज अपनाई गई उनको हम जुनेजोस गवर्नमेंट के 5 पॉइंट भी कहते हैं. ठीक है, अब इन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इन पॉइंट्स के अंदर किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया. पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च, ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था 1985 से 86 के दरमियान में. ठीक है, विच हैज अ हाई रूरल कॉम्पोनेंट. ठीक है, जिसमें रूरल सेक्टर को बेसिकली फोकस किया गया क्योंकि रूरल एरिया को ही इम्प्रूव करने के ऊपर मेजर पॉलिसीज जो हैं वो ज़्यादातर बनाई जाती हैं. अर्बन एरिया में तो डेवलपमेंट हो ही जाती है किसी ना किसी तरीके से क्योंकि इंडस्ट्रीज वहाँ पे होती हैं, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरियाज के अंदर मौजूद होती हैं. तो लोग अपने आप को जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए जॉब जो है वो ढूंढ लेते हैं. लेकिन जो रूरल एरियाज के अंदर लोग रहते हैं वो बेचारे डिप्राइव्ड रहते हैं, तो मेनली जो पॉलिसीज का फोकस होते हैं वो रूरल एरियाज होते हैं. अब जो प्रोग्राम था जिन्हें जो 5 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, उसके अंदर मेन जो फोकस था वो एजुकेशन सेक्टर पे किया गया, हेल्थ पे किया गया, रोड्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे किया गया और साथ इलेक्ट्रिफिकेशन और वाटर की सप्लाई एंड सैनिटेशन पे किया गया. ठीक है, साथ साथ 7 मरला प्लॉट्स भी एक बनाई गई फॉर रूरल हाउसिंग विद हैविंग रूरल फोकस. ठीक है, रूरल एरियाज के अंदर 7 मरले की प्लॉटिंग की गई और उनकी ओनरशिप जो है वो फार्मर्स वगैरह को प्रोवाइड की गई. सो बेसिक जो मोटिव था बिहाइंड द प्रोग्राम वो क्या था कि ओवरऑल सोशल सेक्टर को इम्प्रूव करवाना है क्योंकि सोशल सेक्टर के अंदर देखिए अगर हम तो एजुकेशन, रोड्स, हेल्थ, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई या वाटर सीवरेज, ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर, ठीक है, वाटर सैनिटेशन या जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू जो फार्म लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो सारी इंप्रूव करना इसके अंदर मौजूद थी. अब और साथ साथ शेल्टर प्रोवाइड करना भी. देर वर ऑल्सो अ स्पेशल डिवेलपमेंट प्रोग्राम फॉर लोकल डिवेलपमेंट प्रोग्राम एजुकेशन एंड हाउसिंग. ठीक है, अब एक और स्पेशल प्रोग्राम जो है उस टाइम पे डेवलप किया गया लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए यानी लोकल डेवलपमेंट के लिए जिसमें हाउसिंग और एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया. देर वॉज ऑल्सो प्रोग्राम फॉर सैनिटर्स एंड MNAs. ठीक है, अब जो सैनिटर्स और MNAs थे, ठीक है, उनके लिए भी एक प्रोग्राम सेट आउट किया गया जिसमें इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वर अलॉटेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी क्योंकि वो उस टाइम ये कंसिडर किया जा रहा था कि जो MNAs जिस एरिया का MNA होगा वो उस एरिया के डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करवा सकता है या उस एरिया की डिवेलपमेंट को बेहतर कर सकता है. सो उनको एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अलॉट की गई ताकि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेंड कर सकें. एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ वाज हायर देन एवरेज 0.7%. 0.7% एवरेज उस टाइम पे हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हो रहे थे जीडीपी का रेशो अगर हम देखें, लेकिन उस टाइम पे इससे ज़्यादा जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर्स किए गए. अब एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन अगर देखें तो रोज टू एन एवरेज ऑफ 2.3% एंड 1.9% इन 1980s. ठीक है, 1980s में एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है वो 2.3% अराउंड किए गए. ओवरऑल एलोकेशन ऑफ 5 पॉइंट प्रोग्राम एक्सीड द प्लान एलोकेशन बाय 18%. जो ओवरऑल एलोकेशन है हमारे प्लान की जो नेजस प्लान जो था, ठीक है, वो क्या थी, एक्सीडेड द प्लान एलोकेशन बाय 18%. 18% जीडीपी का ओवरऑल प्लान के ऊपर खर्च किया गया. देर वॉज सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन रिसोर्सेज. ठीक है, अब रिसोर्सेज के अंदर बेसिकली सिग्निफिकेंट शिफ्ट उस टाइम पे हमने ऑब्जर्व की क्योंकि टूवर्ड्स रूरल डिवेलपमेंट यूटिलाइजेशन 48% जो है वो रूरल रिसोर्स की शिफ्ट जो हमने देखेगी. ठीक है, एक्सपेंडिचर्स इन रूरल सेक्टर एक्सेलरेटेड. जो रूरल सेक्टर के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहे थे वो इम्प्रूव हुए, उसकी इम्प्रूवमेंट से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था वो इंक्रीज हुआ और साथ साथ इनकम अपॉर्चुनिटीज जो है वो जनरेट हुई इकोनॉमी के अंदर. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपकी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. हैप्पी लर्निंग.